Let's improve English. फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर अब मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको मिलेगा आपके डाउट्स का सोल्यूशन। आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं रेगुलरली और आपके डाउट्स का मैं आंसर करूंगा। जो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, पहले ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा कि आज वीडियो में ये होने वाला है, ये सेंटेंसेस मैं कवर करने वाला हूँ, ताकि आप उनके ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकें और फिर बाद में वीडियो से आप देख सकें कि आपने कैसा किया है। साथ ही साथ आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी आप जैसे ही लोग होंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा यूजफुल वोकैबुलरी, यूजफुल फ्रेजेस और ग्रामर रूल्स भी आपको सिखाता रहूँगा बहुत ईजी तरीके से एंड मच मोर। फ्रेंड्स, आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 99 रुपीस पर मंथ पे करना है और आप इन सभी फीचर्स का फायदा उठा सकेंगे। फ्रेंड्स, इसे चार्जेबल रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर मैं इसे चार्जेबल नहीं रखूंगा तो इसके अंदर कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं ग्रुप के अंदर जो बेकार की फालतू की बातें करेंगे, फालतू के एड्स कर सकते हैं या फिर बिना बात की ऑकवर्ड चीज़ें भी हो सकती है ग्रुप के अंदर, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका चार्जेबल होना बेहद ज़रूरी है ताकि सभी लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें कर सकें और इंग्लिश की बातें कर सकें, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस ग्रुप में मैं उन्हीं लोगों को चाहता हूँ जो सचमुच में डेडिकेटेड हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए इस ग्रुप को चार्जेबल रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। फ्रेंड्स, इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीन शॉट खींच के आपको मुझे मेल करना है और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेल करना है ताकि मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। फ्रेंड्स, इन सब में कोई भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब फटाफट से आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। मैं बहुत मेहनत करूंगा इस पर और आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ तो आती ही रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरीके से इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। फ्रेंड्स, अगर आपको पे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप पे नहीं करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं इसी तरीके से फ्री कंटेंट यूट्यूब पर लाता रहूँगा रेगुलरली, आप मेरी वीडियोस से सीखते रहिए। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस से सीखते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। सो लेट्स डू सम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। द फर्स्ट सेंटेंस इज, कम से कम सुबह तो पर्दे हटा दिया करो, कम से कम सुबह तो पर्दे खोल दिया करो, पूरे दिन तो बंद ही रखते हो। Open the curtains at least in the morning. Open the curtains at least in the morning. यानी पर्दों को कम से कम सुबह तो हटा दिया करो। पर्दों को हटाने के लिए हम सिंपली ओपन बोल सकते हैं या फिर आप चाहे तो ड्रॉ भी बोल सकते हैं। ड्रॉ द कर्टन्स, ड्रॉ द कर्टन्स का मतलब दोनों होता है। अगर पर्दे ऐसे हैं तो उन्हें ऐसे करने को भी ड्रॉ करना बोलते हैं और ऐसे करने को भी ड्रॉ करना बोलते हैं। सो ड्रॉ द कर्टन्स, सो ओपन द curtains at least in the morning, कम से कम सुबह तो curtains को ओपन कर दिया करो, खोल दिया करो, थोड़ी धूप अंदर आने दो। Let the sunshine come inside, यानी जो सूरज की धूप है, सूरज की किरणें हैं, उन्हें अंदर आने दो। Let the sunshine come inside, यानी धूप को अंदर आने दो। सूरज की धूप हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। Sunshine is very beneficial for us. Sunshine is advantageous for us. कि जो सनशाइन होती है वो हमारे लिए एडवांटेजेस होती है, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होती है, बहुत फायदेमंद होती है, इस तरह आप कह सकते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हैं पर्दे को साइड में कर दो, तो आप पुल का यूज करके बोल सकते हैं, पुल द कर्टन असाइड। पुल द कर्टन असाइड, इसका मतलब होता है पर्दे को खींचकर एक साइड में कर दो। पुल द कर्टन असाइड। क्या तुम दिन में एक झपकी लेते हो? क्या दिन में तुम थोड़ा सा सोते हो? डू यू नैप ड्यूरिंग द डे? डू यू नैप ड्यूरिंग द डे? जो ये नैप है ना, ये एक वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और एक नाउन की तरह भी काम कर सकता है। अभी मैंने इसका यूज एज अ वर्ब किया है, डू यू नैप ड्यूरिंग द डे। अगर आप एज अ नाउन करना चाहें तो आप बोलेंगे डू यू टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, यानी क्या तुम एक नैप लेते हो दिन के दौरान, यानी दिन के समय क्या तुम सोते हो, थोड़ी झपकी लेते हो। सो टेकिंग अ नैप मीन्स स्लीपिंग फॉर अ लिटिल टाइम। मुझे ये काम कल सुबह तक खत्म करना है। मुझे ये काम कल सुबह तक खत्म करना है, ऐसे हम कैसे कहेंगे? आई नीड टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। आई नीड टू फिनिश दिस वर्क, यानी मुझे इस काम को फिनिश करने की जरूरत है बाय टुमारो मॉर्निंग, कल की सुबह तक। आप ऐसे कह सकते हैं बाय मंडे मॉर्निंग, बाय ट्यूजडे मॉर्निंग, बाय वेंसडे मॉर्निंग, यानी उन दिनों की मॉर्निंग तक मुझे इस काम को फिनिश करना है। आई नीड टू फिनिश दिस वर्क। इसकी जगह पर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई गॉट टू फिनिश दिस वर्क, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, या फिर आई नीड टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। थोड़ा सा गार्डन में घूम लो, थोड़ा सा चल लो, ऐसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा इधर उधर चल लो, तो हम कह सकते हैं
टेक अ वॉक अराउंड द गार्डन, टेक अ वॉक अराउंड योर नेबरहुड, अपने नेबरहुड में थोड़ा सा वॉक कर लो, यानी आस पड़ोस में मोहल्ले में थोड़ा सा घूम लो, टेक अ वॉक अराउंड योर नेबरहुड। अब सेंटेंस कहना है, तुमने मेरा पूरा स्वेटर उधेड़ क्यों दिया, तुमने मेरा स्वेटर क्यों उधेड़ दिया। उधेड़ने को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, वाई हैव यू अनरेवल्ड माई स्वेटर, वाई हैव यू अनरेवल्ड। अनरेवल का मतलब होता है उधेड़ देना, किसी चीज को आपने निट किया था, वीव किया था, अब उसको उधेड़ दिया, यानी कि वो पूरे स्वेटर का एक धागा बना दिया बस, इसका मतलब होता है उसे अनरेवल कर दिया गया है। Why have you unraveled my sweater? तुमने मेरे स्वेटर को अनरेवल क्यों कर दिया। ये दवाई तुम्हारे सिर दर्द में आराम देगी, दिस मेडिसिन विल सूथ योर हेडेक, दिस मेडिसिन विल सूथ योर हेडेक। सूथ का मतलब इट विल ग्रेटली काम योर हेडेक, आपके हेडेक को शांत कर देगी, यानी कि उसको सूथ कर देगी। सूथ मतलब शांत कर देना। इस बच्चे को चुप करने की कोशिश करो, ट्राई टू सूथ दिस बेबी, ट्राई टू सूथ दिस बेबी, यानी इस बेबी को सूथ करने की, यानी इसे शांत करने की कोशिश करो। ध्यान देना इसके प्रोनंसिएशन पर, सूथ एक्चुअली में यहाँ पर जो था होता है हमारा हिंदी में वो वाली साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है सूदिंग, जैसे कि सूदिंग म्यूजिक। सूदिंग म्यूजिक यानी ऐसा म्यूजिक जो आपको काम कर देता है, लेकिन ऐसे ये है सूथ, SOOTHE, इट्स अ वर्ब। इस क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा मुश्किल है, इट्स ट्रिकी टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा सा ट्रिकी है। और फिर मुझे कहना है इस वाले को आंसर करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, इट्स इवन ट्रिकियर टू आंसर दिस वन, इट्स इवन ट्रिकियर टू आंसर दिस वन, यानी इस वाले को, दिस वन का मतलब इस वाले को आंसर करना इवन ट्रिकियर यानी और भी मुश्किल है। आपने सीखा होगा ना स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां पर ये वही है, ट्रिकी ट्रिकियर ट्रिकियस्ट, सो इट इज इवन ट्रिकियर यानी और भी ट्रिकी है। तो आप डिफिकल्ट बोलने की जगह ट्रिकी बोलो, यूज डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। Every time you have a conversation, try to use different words in order to sound more impressive and effective. You know, people will be convinced by whatever you say if you use good words and your body language is also good. वो बड़ी जल्दबाजी में या फिर पागलों की तरह अपने फोन को ढूंढ रहा था। He was frantically looking for his phone. Frantically is an adverb here, जिसका मतलब होता है जल्दबाजी में, पागलों की तरह। आप बहुत ही नर्वस है या फिर डरे हुए हैं, एक्साइटमेंट है, या फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा, आप बहुत रश में कुछ कर रहे हैं ना, मतलब आप उस चीज को फ्रेंटिकली कर रहे हैं। सो ही वॉज फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर हिज फोन, उसका फोन खो गया था तो वो बड़ी फ्रेंटिकली ढूंढ रहा था, यानी बड़े पागलपन से, यानी हो सकता है वो डर गया था, बहुत जल्दबाजी में था तो फ्रेंटिकली वो अपने फोन को ढूंढ रहा था। हमने जल्दबाजी में पूरा कमरा साफ कर दिया, वी फ्रेंटिकली क्लीन्ड द होल रूम, वी फ्रेंटिकली क्लीन्ड द होल रूम, यानी पूरे कमरे को हमने फ्रेंटिकली क्लीन कर दिया। I frantically called him up. मैंने जल्दबाजी में जल्दी से उसको कॉल किया। यानी if you do something frantically, that means you do it in a rush. You want to do something very quickly and you're in a rush and you can't wait for something. So that means you do something frantically. एक मिनट में अपने रास्ते हो जाओ, इसे कैसे कहेंगे? Be on your way within a minute. Be on your way within a minute. यानी एक मिनट के अंदर अपने रास्ते पर हो जाओ, यानी अपना रास्ता पकड़ लो, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, उसने मेरा एकदम ध्यान भंग कर दिया, इसे हम कह सकते हैं he ruined my attention या फिर he ruined my concentration, मेरे पूरे concentration को उसने ruin कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया, हिंदी में हम कहते हैं भंग कर दिया, मेरा पूरा ध्यान भंग कर दिया उसने, he ruined my concentration। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।